आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह मोटो 8NG मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स पर पासवर्ड किस तरह लगा सकते हैं। अगर अभी मैं कॉन्टैक्ट्स ओपन कर रहा हूँ तो डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिवा कोई और आपके कॉन्टैक्ट नंबर ना देख पाए, तो उसके लिए अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट्स पर तो किस तरह लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ। कॉन्टैक्ट्स पर पासवर्ड लगाने के लिए आपको मेनू में जाना है, फिर आपको ये बटन दबाकर नीचे आना है और सेटिंग्स पे ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है, ये बटन दबाकर और नीचे आना है, सिक्योरिटी सेटिंग्स पे ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे ओके कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ आपको दिखाई देगा कॉन्टैक्ट्स, तो इस पर ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको फ़ोन पासवर्ड इंटर करना है। डिफ़ॉल्ट फ़ोन पासवर्ड होता है इस मोबाइल में 4321। आप इस फ़ोन पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं सिक्योरिटी सेटिंग में जाके। तो मैंने फ़ोन पासवर्ड इंटर किया, अब मैं ओके कर देता हूँ, ये लॉग्ड हो गया है। अब मैं बैक आ जाता हूँ। अब जो है मैं कॉन्टैक्ट्स ओपन करके देखता हूँ होता है या पासवर्ड दिखाता है। अब जो है ये पासवर्ड मांग रहा है। जब तक मैं यहाँ पर पासवर्ड नहीं इंटर करूँगा तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखाई देंगे। तो मैं फ़ोन पासवर्ड इंटर करता हूँ 4321। ओके, पासवर्ड इंटर करने के बाद ही ये कॉन्टैक्ट्स दिखाई दिए। मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि इस पासवर्ड को भी आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो मेनू में जाना है, फिर आपको जो है ये बटन दबाना है और यहाँ पर सेटिंग्स पे आके ओके करना है। फिर ये बटन दबाना है और सिक्योरिटी सेटिंग पे ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है, फ़ोन सिक्योरिटी पे ओके करना है, यहाँ पर नीचे आना है और चेंज पासवर्ड पे ओके करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ओल्ड वाला, पुराना पासवर्ड और फिर न्यू पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ।